कंट्रोलर के साथ कंट्रोल ट्रैफिक भेजने के लिए होता है या डेटा ट्रैफिक के लिए? ये जो टीवे टनल्स हैं, ठीक है, ये आपका कंट्रोल ट्रा इस पे कंट्रोल ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो कंट्रोल ट्रैफिक टनल बनी हुई है ये, ठीक है। ओके हाँ और जो डायनेमिक टनल अभी हम उस पे जाएंगे, जो डाटा के लिए जाएगी वो डायनेमिक डीटीवी बनेगी वो, ठीक है। डीटीवाई ओके तो है ओके ना, तो अभी मैंने साइट टू आपको, साइट के बीच का। हाँ, तो मैंने आपको जस्ट बताने का ऑब्जेक्टिव ये था कि एक तो जैसे ये वीआर इंटरफेस, जो लैन इंटरफेस बना, इसमें क्या था, ऑर्गेनाइजेशन नेम प्लस लैन वीआर बाय डिफॉल्ट आता है। मान चलो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम आईसीआईसी बैंक है या कोई और बैंक, कोई कंपनी का नाम है, राइट। तो जो भी आप टेनेंट बनाओगे उसका नाम प्लस लैनवेयर ऐसा करके आ जाएगा, ठीक है। ये आपको मतलब बताने का ऑब्जेक्टिव मेरा ये था बस। ओके ओके टीवीआई जस्ट मैंने आपको बताया कि भाई ये जो टनल बन रहा है कंट्रोल के साथ बन रहा है, ठीक है। ओके ये जो वीएनआई इंटरफेस था, याद है, एक मिनट ना, वीएनआई, अब हम लोग इसका दो वीएनआई के इंटरफेसेस की बात करते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, मैं इसके लैब पे जाता हूँ। ओके, इसमें देखो एमपीएलएस के लिए भी बना हुआ है ट्रांसपोर्ट, है ना, दिस माय एमपीएलएस ट्रांसपोर्ट, राइट। तो ये मेरा फिजिकल इंटरफेस है, राइट, ये मेरा फिजिकल इंटरफेस है, इट इज शोइंग एज एमपीएलएस इंटरफेस। ओके, तो जो जो हमने, याद है, इनिशियली यहाँ पे हम जब कंट्रोलर को ऑनबोर्ड कर रहे थे, ओके, तो हमने एक ट्रांसपोर्ट डिफाइन किया था कंट्रोलर में एमपीएलएस करके, है ना, एमपीएलएस, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट वेयर इस तरीके से लिखा हुआ जाएगा। यदि आपका कोई इंटरनेट रहेगा तो वहां पे इंटरनेट वेयर, इंटरनेट प्लस ट्रांसपोर्ट वेयर ऐसा लिखा हुआ जाएगा। इस तरीके से नंबर ही चूज कर रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो टेस्ट, मतलब ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये कंट्रोल वेयर अपने आप उसके साथ में अटैच कर देगा, ठीक है। ये भी टेस्ट है, टेस्ट मतलब इट्स अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। जो भी टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जिसका नाम है टेस्ट, ठीक है। उसके साथ में ये सब अटैच हो जाएगा। ओके, तो फिजिकल फिजिकल इंटरफेस, टीवी इंटरफेस और इथ जीरो इंटरफेस, सो फार आई थिंक यू गाइस आर क्लियर। ओके ओके यस ये जो पीटीवीआई टनल्स है, ठीक है, ये किसके साथ मेरे फॉर्म होगी, कंट्रोल के साथ में फॉर्म हो रही है, ठीक है। ये आपकी परमानेंट टनल होगी, ठीक है। तो यदि मान के चलो कि आपके पास दो कंट्रोलर है, ओके, इस सिनेरियो में दो कंट्रोलर हैं, बट अपने सिनेरियो में एक कंट्रोलर है, ठीक है। तो ये टनल फॉर्म होगी सिर्फ एक के, इस सिनेरियो में सिर्फ एक एक के साथ में फॉर्म हुई है ना। बट आपका जो एक्चुअल होगा, यदि आपके दो दो कंट्रोलर है, तो आपके पास हर एक जगह के साथ में दो पीटीआई टनल फॉर्म हो जाएगी आपकी, ओके और ये टनल परमानेंट रहेगी, ठीक है। जो मैनेजमेंट का जो आईपी एड्रेस होगा ना, इसके अंदर मिलेगा आपको, ये वाला मैनेजमेंट का आईपी एड्रेस मिलेगा। ओके, आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है। नहीं, मैनेजमेंट का ये 4-5 आ रहा है, मतलब आप बोल रहे हैं सर कि मैनेजमेंट का ट्रैफिक जो जाएगा पीटीवीआई टनल से जाएगा और नहीं जो नहीं नहीं जो पीटीवाई टनल से नहीं जाएगा, आई थिंक आई वाज इसी जो कंट्रोल एमपीबीजी सेशन फॉर्म हो रहा है ना आपका, वो आपका फॉर्म होगा इस पीटीवाई टनल के साथ में। जो एमपीबीजी सेशन फॉर्म होगा वो आपका इस टनल के साथ में फॉर्म होगा एज अ सोर्स। ओके फिर तो फिर कंट्रोल ये जो कंट्रोल भी आ रहा है इसका क्या रहेगा? कंट्रोल जो वीआर है, इसमें दो 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 चीजें हैं, ठीक है। एक तो आपका बनेगा, हाँ टीवीआई एक तो वीएक्स वीएक्स टनल बनेगी, और एक बनेगी सिक्योर ईएक्सपी टनल बनती है, सिक्योर टनल बनेगी, ठीक है। आईपीसी टनल फॉर्म होगी, ठीक है। ठीक है सर अभी वो हम लोग करेंगे, अभी अभी डिस्कस टनलिंग करते हैं, टनलिंग आएगी जब जब उस टाइम करेक्ट। डिस्कस करें। ओके तो अभी सर जस्ट इंटरफेस है ये, ठीक है। अब हम आई लोग क्या मीन करते हैं, कंट्रोल, कंफ्यूजन ये लग रहा है सर कि एक ही मतलब कंट्रोलर के साथ हम तीन टाइप की टनल बना रहे हैं वही तो वही ऐसा वही क्यों? क्योंकि ओके एक ही चलो, टनल के अंदर सारा काम हो सकता है तो हम इतना क्यों कर रहे हैं? है ना, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है, क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। डिस्प्ले,
set match. Okay. Display set command display. Achha, so configuration interface. Okay. So configuration display. देखो अल्टीमेटली क्या है कि उसके जब तक हम कोर में नहीं जाएंगे ना तब तक आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर नहीं होगा कि एग्जैक्टली करना क्या चाह रहा है, है ना. ओके तो ओके एक तो आपका हमने यहाँ पे पढ़ा कि फिजिकल इंटरफेस हो गया, है ना, करेक्ट. एक हो गया आपका टीवी इंटरफेस हो गया, और एक आपका इसमें भी दो इंटरफेसेस आपके आ रहे हैं. एक तो VX लिंक टनल इंटरफेस आ रहा है और एक आपका सिक्योर वाला आ रहा है, राइट. यदि आप इसका कन्फ्यूजन आप यहाँ पे इस तरीके से रीड करोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है. देखो एक ओके ये TVI 4 एंड 5 है, राइट, ये वाला है ना. सिर्फ हम इतना समझते हैं अभी, ठीक है. ओके TVI 4 एंड 5 आप यदि इसका कन्फ्यूजन चेक करोगे तो ये आपका क्या फॉर्म हुआ है, ये आपका ये जो सबसे पहले इसने वी एक्सटर्नल फॉर्म किया, ठीक है, वी एक्सटर्नल के लिए गया. ओके और वी एक्सटर्नल के बाद, ठीक है, जो सेकंड टनल फॉर्म हुआ वो आपका ESP टनल हुआ. जो आपका जो डाटा जाएगा, ठीक है, वो आपका ESP टनल पे जाएगा, सिक्योर टनल पे जाएगा, ठीक है. इसने दो टनल बनाया, एक तो आपका सिर्फ कंट्रोल ट्रैफिक भेजने के लिए और एक आपका डाटा ट्रैफिक भेजने के लिए, ठीक है. तो आपका जो डाटा ट्रैफिक जाएगा वो हमेशा ESP टनल के ऊपर में जाएगा. नहीं सर, बट ये कंट्रोल के साथ में बन रही है तो कंट्रोल पे तो हम डाटा ट्रैफिक भेजेंगे ही नहीं ना. कौन सा ये नहीं, ये क्या करेगा आपका जो DTOA बनेगा ना, तो DTOA के लिए सोर्स क्या होगा, समझ रहे मेरी बात. आपका जो DTOA फॉर्म होगा उसके लिए सोर्स आपका टनल TVI 04 इज सोर्स. ये बोल सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन जाए मतलब नहीं आया सर, समझ में नहीं आया. देखो आपका जो टनल फॉर्म ये तो हो गया, आप दो टनल फॉर्म कर दिए इसने, ठीक है. सिमिलर टनल आपकी दूसरे ब्रांचेस में फॉर्म होगी, है ना, जैसे कि टनल सेम टनल नंबर होगा, टनल 4 एंड टनल 5. ओके ठीक है. ओके ब्रांच में भी आपका टनल सेम इसी तरीके से फॉर्म होगा, टनल 4 एंड टनल 5. ओके एक लॉगिन करते हैं इसमें, ठीक है सर. अगर पॉसिबल हो तो एक बार, है ना, जो टनल वाला है ना कि किसके साथ में कौन कौन सी टनल बनेगी, कैसे बनेगी, वो बता दीजिए, उसके बाद में कीजिए ना, तो थोड़ा सा दिमाग में. अभी क्या है ना, आप बता रहे हैं तो वो ऊपर से जा रहा है कि टनल इतनी कहां से आ रही, कैसे आ रही, कैसे नहीं आ रही. एक ही इज राइट, मेरा एक सिमिलर डाउट था. Just tell me, अभी मेरा underlay MPLS है, overlay पे भी मैं अगर MPBGT RR के साथ form कर रहा हूँ, via RR, तो ये tunnel, पहला मेरा tunnel build होगा, उसके बाद MPBGT होगा, या फिर मेरा MPBGT first phase में आएगा, उसके ऊपर मेरा overlay tunnel बन रहा है. नहीं नहीं, पहले आपका tunnel form होगा, उसके ऊपर आपका MPBGT position form होगा. अच्छा, मतलब मेरा जो legacy या backbone है, जो मेरा जिसके ऊपर मैं SD-WAN run कर रहा हूँ, पहला मेरा डायनामिक टनल वगैरह बनेगा एंड टू एंड, बराबर है, के ऊपर मेरा VPN V4 बनेगा फॉर SD-WAN, करेक्ट. और जितना भी ब्रांचेस है वो मेरा MPBGT के थ्रू कनेक्ट होगा, जैसे नॉर्मल मेरा MPLS. जब मेरा कोई भी ऑनबोर्डिंग होता है, ठीक है, मान के लो मेरा ब्रांच का ऑनबोर्डिंग होगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि पहले कंट्रोलर के पास गया, है ना. कंट्रोलर इसको क्या करेगा, एक पहले प्री स्टेजिंग, हमने जब कंट्रोल बनाया था तो उसमें हमने एक प्री स्टेजिंग वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि पहले प्री स्टेजिंग इसको टेम्पररी एक IP एड्रेस असाइन कर देगा, राइट, कि भाई इसका ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, इसके हिसाब से प्री स्टेजिंग टेम्पलेट है, ठीक है. ये आपका जब ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, ठीक है, और फिर डायरेक्टर क्या करेगा कि एक्चुअल जो कन्फ्यूजन डायरेक्टर ने बनाया वो पुश करेगा इसके ऊपर में, ठीक है. तो ये जो फर्स्ट जो आपने टनल बनाई, जो आपकी जो टनल बनी आपकी 4 नंबर की, ठीक है, वो आपकी VX टनल है, ठीक है. जब आपका जो कन्फ्यूजन पुश होगा वो किसके ऊपर होगा, VX पे नहीं जाएगा, वो जाएगा आपका ESP टनल के ऊपर पुश होगा कॉन्फ़िगरेशन आपका, ठीक है. तो ये आपका जो कन्फ्यूजन जब पुश करेगा वो आपके टनल नंबर 5 पे पुश करेगा, ठीक है. जब पुश करेगा तो ये जब इसका कन्फ्यूजन आ जाएगा तो आपका MPBGT फॉर्म करेगा इसके साथ में, कंट्रोलर के साथ में, ठीक है.
जब रिबूट होगा ना तब अपना फॉर्म करेगा टनल। पहले आप जस्ट समझ लो कि अभी टनल ठीक है, अभी हम लोग जब डिटेल में जाएंगे ना, डिटेल में भी और करेंगे कवर, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि आज ही खत्म करना है, नेक्स्ट सेशन में भी उसको कवर करेंगे, ठीक है। ओके सर, मतलब बेसिकली मेरा एमपीएलएस बैकबोन के ऊपर ओवरले पे भी मैं वापस एमपीएलएस ही बिल्ड कर रहा हूं इन शॉर्ट। करेक्ट। आप देखो इसको उससे मतलब नहीं, आपकी एमपीएलएस में बैकबोन आपने क्या बनाया क्या नहीं बनाया उससे को इसको लेना देना नहीं है, ठीक है। आपने एक फिजिकल इंटरफेस दे दिया उसकी रीचेबिलिटी कंट्रोल के साथ में, उसको उससे मतलब है बस, ठीक है। बट आपको जो कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको जो बताया कि जो जो पी में जैसे कॉन्सेप्ट चलता है वैसा का वैसा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे उसने इनहेरिट किया हुआ है सी के अंदर में। बट मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा ब्रांच राउटर में दो पाथ है, ठीक है, एक अलग अंडर ले पे, ठीक है, इसके ऊपर में अगर MPBGP चलाता तो मेरा सेम ओवरले पे भी मेरा दो पाथ रहेगा थ्रू दैट सेम ISP, बराबर है, पाथ वन एंड पाथ टू। अगर मैं इस पे MPBGP रन कर रहा हूँ तो RR तो मुझे बेस्ट पाथ एक ही देगा, तो मेरा यहाँ पे लोड बैलेंस लोड शेयरिंग होगा। भाई देखो आपका जो मान के चलो, देखो आप ना MPLS वाले कॉन्सेप्ट को इससे जो है ना, मतलब ये जो ट्रैफिक है आपका जो अंडरले है उससे, जो आपका ये जो MPBGP फॉर्म कर रहा है कहाँ कर रहा है, ब्रांच से लेके कंट्रोल के बीच में कर रहा है, राइट। या तो क्लियर, इसको आपके RR आपके जो पी है या बैकबोन उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं बैकबोन का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरले का ही बात कर रहा हूँ, अंडरले आप छोड़ दो। आपका आपके पास मान के चलो कि आपके पास कोई सिनेरियो है, ठीक है, कोई सिनेरियो है आपके पास, मान के लो कि दो लिंक है, ठीक है भाई, लिंक ए ली अपने ट्रांसपोर्ट ए ले लिया, एक इंटरनेट ले लिया, एक एमपीएलएस ले लिया, है ना, ये दोनों मेरे पास ट्रांसपोर्ट है। बट मेरा मैंने क्या किया, टनल फॉर्म कर रखी है, ठीक है, मेरा जो ट्रैफिक चल रहा है टनल के ऊपर चल रहा है, ठीक है, मेरा ट्रांसपोर्ट डाउन भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरा ट्रैफिक किस पे चलने वाला, टनल के ऊपर चलने वाला है, ठीक है। मेरा जो डाटा ट्रैफिक जाएगा वो टनल के ऊपर जाएगा, राइट, करेक्ट है, लेकिन टनल भी मेरा प्राइमरी सेकेंडरी ऐसा टनल रहेगा ना, टनल तो मेरा सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए, इसके ऊपर मेरा वापस ओवरले पे वापस से हम लोग MPBGP रन कर रहे हैं, करेक्ट है। मेरा तो मेरा मुझे... मेरा यदि मान लो कि ये आपका ट्रांसपोर्ट डाउन हो गया, ठीक है, मैंने आपको इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई आपका ये जो पिक्चर बताया था ना, ये वाला क्या है भाई, टनल में क्या कर रहा हूँ, ऐसे टनल बना रहा हूँ सोर्स मेरा, ये इस पाथ इस कंडीशन में मान चलो कि आपका आपने टनल बनाया सोर्स, ओके, लूप बैक बनाया, यहाँ भी एक लूप बैक बनाया, ठीक है। अब मेरा एक कोई भी पाथ डाउन होता है क्या फर्क पड़ने वाला है, मेरे टनल तो आप है ना, राइट। तो अभी मुझे एक बात बताओ, इसमें मेरा ट्रैफिक कैसे जाएगा, अगर मेरा ये लूप बैक के साथ में नेबर्स टनल फॉर्म कर रहा हूं, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ मेरा नीचे कितने भी पाथ होने दो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, मेरा टनल मेरा सिर्फ लूप बैक अप होने से मतलब है, वो कोई भी पाथ लेके ट्रैफिक जाएगा। बट इसमें मेरा अगर डेटा ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर मेरा मुझे स्पेसिफिक वीडियो का ट्रैफिक आपको कि आपको जस्ट कोरिलेशन कर पाओ कि मतलब एग्जैक्टली कैसा हो रहा है। हाँ, बट नीचे भी तो सेम हो रहा है ना, नीचे भी तो मैं सिंगल इंटरफेस पे ही मेरा अंडर ये मेरा जो ट्रांसपोर्ट डाउन हो गया आपका, एक पाथ डाउन हो गया, ठीक है, मेरा ट्रैफिक टनल के ऊपर जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अभी अभी मेरा यहाँ पे ये जो मेरा बॉक्स वन के यहाँ पे मेरा एक वीडियो का ट्रैफिक है, यहाँ पे वीडियो का ट्रैफिक है, प्लस मेरा डेटा ट्रैफिक है, अभी मुझे पता नहीं मेरे लिए SD-WAN है, तो मेरा जब ट्रैफिक जो भी फ्लो होगा ये फिजिकल कुछ तो पाथ लेके जाएगा, भले वो मेरा उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि देखो एक चीज होती है कि हम लोग ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे एक्टिव बैकअप करना है, बाय डिफॉल्ट होता है एक्टिव, ठीक है, मतलब मेरा ट्रैफिक दो लिंक से जाएगा, ठीक है। जब मैं इसके अंदर प्रायोरिटी सेट कर सकता हूँ कि भैया मेरा ट्रैफिक प्राइमरी पे जाए सेकेंडरी पे जाए, ठीक है, यदि मेरा डाउन हो गया सेकेंडरी ऑटोमेटिकली एक्टिव है, ट्रैफिक सेकेंडरी से चला जाएगा। ओके, बाय डिफॉल्ट जो आता है आप टोपोलॉजी अगर कोई पॉलिसी या कुछ भी कॉन्फ़िगर करने नहीं किया है तो फुल मेस में आएगा, और फुल मेस में आया तो हम कभी भी ये पता नहीं लगा सकते कि हमारा ट्रैफिक कौन से इंटरफेस से आउट हो रहा है। अगर हमें डिफाइन करना है तो फिर हम पॉलिसीज लगा करके उसको डिफाइन कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट फुल मेस में रहेगा और वो दोनों में से कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज कर सकता है।
बाई डिफॉल्ट दोनों पे ट्रैफिक भेजेगा, लोड बैलेंस करता है यदि आपने इसमें, आपको जब हम टेम्पलेट पे जाएंगे ना तो वहाँ पे ऑप्शन आएंगे, ठीक है, कि आपको भाई मेरे पास ट्रांसपोर्ट वन से ट्रैफिक लेके जाना है, ट्रांसपोर्ट टू सेकंड प्रायोरिटी, उस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। इवन आप एप्लीकेशन लेवल पर डिफाइन कर सकते हो कि मेरा एक एप्लीकेशन यहाँ से जाए। इसमें जब हम लोग ट्रैफिक स्टीयरिंग पढ़ेंगे ना, ट्रैफिक स्टीयरिंग को जब करके देखेंगे या टेस्ट करेंगे, तब वो कवर आपको हो जाएगा कि भाई मेरा एक एप्लीकेशन यहाँ से जाए, दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पे जाए, इसमें इतने पैकेट लॉस हो जाए तो आपका ट्रैफिक दूसरे लिंक से मतलब शिफ्ट हो जाए। इस तरीके का वो जो कॉन्सेप्ट है ट्रैफिक स्टीयरिंग में कवर होगा वो, ठीक है। बट यदि आप देखा जाए तो अभी आपका एक लिंक डाउन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका ट्रैफिक दूसरा ऑलरेडी पाथ अप है, ठीक है, आपका ट्रैफिक वहां से मूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सर मेरे को एक चीज जाननी है, आपका जो डेटा ट्रैफिक है वो आईपीसेक टनल के थ्रू जा रहा है, राइट? अभी देखो हम लोग डीटीवाई पे नहीं पहुंचे भाई, नहीं, अभी हम लोग जस्ट अ क्वेश्चन सर, एक सिंपल, मतलब डीटीवाई की बात ही नहीं हो रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एज टू एज जो भी ट्रैफिक जा रहा है वो आईपीसेक के थ्रू जा रहा है, राइट? करेक्ट। तो मान लो मेरे एक एज के ऊपर एक इंटरनेट का ट्रैफिक लगा सर्किट है और दूसरा एमबीएलएस का है, तो जो आपके उस एज के ऊपर जो डेटा प्लेन, मतलब जो डेटा टनल बनेगी आईपीसेक वाली, वो एक बनेगी या हर एक सर्किट के लिए अलग अलग बनेगी? नहीं 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 देखो ये जो टनल फॉर्म हो गई ना आपकी, देखो दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है, ये ऐसा हर एक के लिए सेपरेट सेपरेट नहीं बनेगी, ये तो कॉन्सेप्ट है इसका, क्या है कि ये जो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टनल्स है, ठीक है, पॉइंट टू मल्टीपल टनल है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हर एक के लिए सेपरेट सेपरेट बनते जाएगा, ठीक है। आपका डीटीवाई बेस्ड ऑन द मतलब कितनी लोकेशंस जैसे टोपोलॉजी के हिसाब से बनते जाएंगे, ठीक है, बट आपका जो ये वीएक्स लेन जो बनेगा आपका, ये टनल फॉर्म हो गया, इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अभी हम लोग जब डाटा पाथ कवर करेंगे ना तो आपको मैं उसमें आपको प्रैक्टिकल दिखेगा, चिंता मत करो उसके लिए आप, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट आप ऐसा अपना आप समझ लो कि आपका अभी टनल किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जब हम लोग डीटीवाई सब टेस्ट करेंगे ना, दो तीन सिनेरियो बनाकर टेस्ट करेंगे, तब वो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ना टनल आपकी जो जितनी लिमिटेड है उतनी टनल बनेगी, ऐसा नहीं कि आपके पास 100 लोकेशन है तो 100 टनल बनानी है आपको, ठीक है। ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टनल्स है, नहीं क्योंकि मेरे को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि मान लो अगर आप एसएलएस डिफाइन करोगे तो क्या होता है कि आप टनल की बेसिस पर एसएलए, अगर आप ए की टनल बना रहे हो तो आप एसएलए वो आपकी डीटीवी वो जो होगी ना टनल, वो डीटीवी टनल्स होगी आपकी, डायनेमिक टनल्स होगी, ठीक है। सो एग्जांपल मेरे पास यदि 10 लोकेशंस हैं, ठीक है, तो मेरी सेपरेट सेपरेट मतलब बेस्ड ऑन द ट्रैफिक इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली टनल फॉर्म हो जाएगी, देयर इज अ डीटीवी टनल फॉर्म होगी वो, ठीक है। तो वो तो लोकेशन वाइज फॉर्म होगी, उसमें कुछ इशू नहीं है। तो मैं वही जानना चाह रहा था सर कि वो जो डीटीवाई टनल्स है वो बेस्ड ऑन द सर्किट होगी, आई मीन सोर्स आपका सर्किट को लेके जाएगी, जो वैन आपका इंटरफेस है उसका लेके जाएगी, या आप कुछ ऐसा करोगे कि सारे सर्किट को मर्ज करके एक ही आईपीसेक टनल बना दें? नहीं नहीं वो क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे कि भाई ये जो डीटीवाई मेरा जो सोर्स है ना, वो आपका डीटीवाई टीवी टनल्स होगी आपकी उस कंडीशन में सोर्स, ठीक है। मेरा जो सोर्स होगा टीवी टनल्स होगा, ना कि मेरे को ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट नहीं करना है, ट्रांसपोर्ट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा उसके अंदर में, ठीक है सर। चलो देखते हैं आगे, प्रैक्टिकल में ज्यादा समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं। कि भी आप देखो क्वेश्चन आएंगे, कुछ इशू नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे आप डाइजेस्ट करो उस चीज को, ठीक है। जस्ट आज के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि आपका टनल कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और हम लोग ये देख रहे थे कन्फ्यूजन चेक कर रहे थे, राइट, इसका लास्ट जो हम यहाँ पे थे, राइट, आप ये कन्फ्यूजन चेक करोगे तो आपका ये वीना इंटरफेस का कन्फ्यूजन हो गया, राइट, जहाँ पे हमने आईपी एड्रेस असाइन किया ये वाला, करेक्ट, दिस पार्ट, ओके। सेकेंड आपका जो इंटरफेस है टूवर्ड आपका लैन, ठीक है, जिसपे ऊपर ये आईपी एड्रेस साइन है, दिस इज द वीएनआई वीना 02 तक, ठीक है। थर्ड पार्ट मेरा जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक जो कि मुझे डायनेमिकली असाइन हो रहा है, ठीक है, ये आप देखोगे यहाँ पे पॉइंट टू मल्टी पॉइंट वीएक्स लैन टनल फॉर्म हो रही है, आपकी वीएक्स लैन टनल फॉर्म हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपकी ईएसपी टनल फॉर्म हो रही है,
ठीक है, और ये आपका लास्ट में जो फॉर्म हुई है पीटी वे टनल फॉर्म हुई है, ठीक है, इतनी टनल्स आपका कंफिग्रेशन है सिर्फ इसके अंदर में, ठीक है। अब हमारा को आपको बहुत सारे डाउट्स हैं कि भाई किसमें क्या जाएगा, है ना, करेक्ट भाई, मेरा DTI में क्या जाएगा, VX लेन में क्या जाएगा, ठीक है, और मेरा TVI टनल बनेगा तो क्या फॉर्म करेगा, राइट। अब इस पे हम लोग अब डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा VX लेन का एक्सप्लेन करते हुए चलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ओके क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है मेरे लिए तो। ओके ओके कोई बात नहीं। एक मैं नोटपैड में ट्राई करता हूँ समझाने का, ठीक है। पहले जो आपका जो फ्रेम रहता था, ठीक है, कोई फ्रेम का ना मैं डायग्राम आपको खोज लेता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैंने कोई फ्रेम का डायग्राम लिया नहीं है, रुको मेरे पास शायद होगा इसके अंदर में। देखो मैं चाहता हूँ कि आपको बेसिक से थोड़ा सा पता रहे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो मैं एक कोई पिक्चर उठा लेता हूँ जो फ्रेम का नॉर्मल रहेगा, ठीक है, फिर उसमें एक मिनट ना। ये आपका जैसे जस्ट आप इनिशियली से यदि आप जो फ्रेम का देखोगे, ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि भाई आपका एक सोर्स सोर्स रहेगा, ठीक है, सोर्स में एक मिनट, इथरनेट फ्रेम है, राइट, हाँ इथरनेट फ्रेम है, एक सोर्स का मैक एड्रेस हो गया, आपका डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस हो गया, है ना, इस तरीके से आपका सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट, ओके। फिर मैं आपका पेलोड का फिर डिटेल नहीं दिया, पेलोड भी रहता है, डाटा आपका पेलोड रहेगा, फिर आपका FEC रहेगा, इस तरीके से आपका पूरा फ्रेम है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तब तक ठीक है जब तक कि आपका मतलब एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में हो आप, ठीक है, यदि मान के चलो कि ओके एक मिनट ना, यदि आपका कोई स्विच है यहाँ पे, ठीक है, और एक PC आपका यहाँ पे कनेक्टेड है, एक PC यहाँ पे कनेक्ट, एक मिनट, एक PC यहाँ पे कनेक्टेड है, एक PC यहाँ पे कनेक्टेड है, नॉर्मल आपका स्विचिंग है तो, ठीक है ना, मान के लो यहाँ पे आपका कनेक्टेड है, यार ये क्या है, ओके मान चलो कि इसका 10.10.10.1 IP एड्रेस है, ठीक है, और इसका आपका 10.10.10.2 IP एड्रेस है, ठीक है, ओके। तो नॉर्मल स्विचिंग में क्या होता है कि भाई जब जब इस मशीन को इस मशीन से बात करना है तो ये क्या करता है कि भाई अपना ब्रॉडकास्ट भेजा, ठीक है, तो आपका जो फ्रेम आएगा उसके अंदर क्या क्या होगा, एक तो आपकी सोर्स इसका मैक एड्रेस क्या होगा, इसको अभी ये नहीं पता, तो क्या करेगा कि इसका जो मैक एड्रेस में आपका जो 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 जैसे जो कि ब्रॉडकास्ट रहेगा वो उसमें फॉरवर्ड करेगा, राइट, कहाँ गए पिक्चर इसका यार, आप रिक्वेस्ट रेज करेगा वो मैप करेक्ट फाइंड करेक्ट, आउट है ना, करने के जब जब ये जैसे उसने आप रिक्वेस्ट जब रेज करेगा तो पहले तो उसको पता नहीं कि एग्जैक्टली है कहाँ पे, राइट, तो आपका सिंगल कॉन्सेप्ट है, सिंगल है तो आपका इसमें चल जाएगा, राइट। इसके बाद जब कॉन्सेप्ट आया था उसमें
ये आपका आप रिक्वेस्ट भेजा इसने, राइट। जब इसके पास से रिक्वेस्ट आई तो पता लगा कि इसका इस इंटरफेस भी फिजिकल इंटरफेस यहाँ पे होगा, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ये इंटरफेस वन इंटरफेस टू है, ये दिस पर्टिकुलर मैक एड्रेस कहाँ से मुझे मिल रहा है, इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस यहाँ से मिल रहा है, एक पैकेट यहाँ पे गया फिर यहाँ पे आया फिर इसने इसको कम्युनिकेशन का बिल्ड हो गया, राइट। ये आपका नॉर्मल फ्रेम फ्रेम में इस तरीके से बिल्ड कम्युनिकेशन होगा आपका, है ना। तो क्या क्या फ्रेम में क्या क्या कवर होता है आपका, आपका सोर्स आ गया, सोर्स का मैक एड्रेस हो गया, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस हो गया, राइट, पोर्ट हो गया, सोर्स पोर्ट हो गया, ठीक है, आपका सीक्वेंस नंबर और जो उसका पेलोड होगा वो इस तरीके से, इथरनेट फ्रेम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, सॉरी पैकेट छोड़ो आप, ठीक है, आपका एपीसी हो गया, डाटा हो गया, सोर्स सोर्स मैक एड्रेस हो गया, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हो गया, राइट, ये आपका फ्रेम हो गया, करेक्ट। जब आपका विलेन वाला कॉन्सेप्ट आया तो उसमें क्या हो गया भाई, मेरा मुझे कम्युनिकेशन चाहिए कि मेरे पास इधर पे भी दो मशीन है, ठीक है, ओके, यहाँ पे मेरा ट्रंक पोर्ट है, यहाँ पे मेरे पास दो सिस्टम और हैं, ओके ओके, और हो सकता है कि भाई ये जो मेरा विलेन है, ओके, यहाँ पे मेरा विलेन 10 है, ओके, यहाँ पे मेरा विलेन, मैं कंसिडरिंग कि ये मेरा विलेन ये दूसरा आईपी एड्रेस हो सकता है, ये मेरा जो आईपी एड्रेस है यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये दूसरे सेगमेंट में डाल देता हूँ मैं 10.10.20.2, ओके, तो 1 ले लिया मैंने, ठीक है, और इसका मतलब मेरे पास मैक एड्रेस सॉरी विलेन मेरा 20 हो जाएगा, ओके, विलेन, ओके, इसी तरीके से यहाँ पे आपका जो जो ये इंटरफेस होगा आपका ट्रंक इंटरफेस हो गया, यहाँ पे आपका जो इंटरफेस होगा ट्रंक हो जाएगा, है ना, जो विलेन कैरी करेगा, यहाँ भी आपका ट्रंक बन गया आपका, ठीक है, यहाँ भी आपका इंटरफेस ट्रंक हो गया, ओके, यहाँ पे फर्स्ट वाले पे मान के चलो कि भाई ये मेरा 10 है विलेन और ये मेरा विलेन 20 है, ओके ओके, और यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस सेम रेंज में डाल दिया, ओके 10 10, ठीक है, 10.2, ओके, तो यदि इस मशीन को इस मशीन से बात करना है तो ये विलेन 10 पे जाएगा, 10 इसके पास विलेन टेक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, राइट, तो इसमें कॉन्सेप्ट आया इसके बाद में, ओके, ये तो आपका नॉर्मल हो गया, तो इसके अंदर में आपका जो 802.q जो कॉन्सेप्ट है, तो इसमें क्या करता है कि आपका यहाँ पे विलेन की जो फ्रेम होती है उसके अंदर आपका नहीं है, उसमें क्या होगा कि आपका एग्जैक्टली जो एक और फ्रेम के अंदर एक और 802. टैगिंग इंफॉर्मेशन आ जाएगी, राइट, तो वो क्या करेगा कि ये फॉरवर्ड करेगा इस विलेन इस ट्रंक के ऊपर आपकी जो जो फॉरवर्ड होगा, ओके, मैक एड्रेस यहाँ पे आया, इसने उसको फॉरवर्ड कर दिया कि भैया इस वाले स्विच पे फॉरवर्ड कर दिया विद FFFF, मतलब आपके पास यदि कुछ मैक एड्रेस नहीं पता इस स्विच पे नहीं है तो क्या करेगा वो ब्रॉडकास्ट वाले मैक एड्रेस से फॉरवर्ड करेगा, राइट, जब इसके पास इन्फॉर्मेशन गया इसके पास लोकल इन्फॉर्मेशन आएगा कि जब इसके पास वापस से जब आरपी एंट्री आएगी भैया ये मुझे यहाँ से मिल रहा है, इसको भेजेगा कि ये मुझे इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस का इसका एसोसिएटेड आईपी एड्रेस ये, फिर इसको फॉरवर्ड करेगा, इस तरीके से इसका कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, तो ये सब था कब तक, फ्रेम, और जब उसके पास जब आपका इनकैप्सुलेशन वाला कॉन्सेप्ट आया तब तक, ठीक है, उसके पास जब VXLAN का कॉन्सेप्ट आया तो उसमें क्या हुआ कि भैया मुझे इन बिटवीन में क्या करूंगा कि इस मुझे इस तरीके से कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए कि भाई मैं एक 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 सोर्स मेरा यहाँ पे होगा, ओके, एक सोर्स मेरा एक स्विच मेरा यहाँ पे एक स्विच मेरा यहाँ पे, इन बिटवीन मैंने कुछ एक स्विच और लगा दिया, मतलब, ठीक है, जो कि मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, टनलिंग टाइप के, मतलब मेरे टाइप से टनल बना दिया, मतलब मैंने, ठीक है, इसके बीच में डायरेक्टली टनल बनेगी, ठीक है, मुझे इसके पास जाना है, इस मशीन को इस मशीन के पास में जाना है, तो क्या करेगा कि जब ये कनेक्टिविटी इसके ऊपर में आई तो ये इसके बीच में टनल फॉर्म होगी, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भेजेगा ओवर द टनल्स टू दिस डिवाइस, ओके, एंड ये जो डिवाइस होगी ये पर्टिकुलर मैक एड्रेस को लर्न करेगी और फिर वापस इसे टनल के ऊपर फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है, इसका एक डायग्राम बताता हूँ इसमें होगा यूडीपी का, एक मिनट ना, सो बेसिकली ये VXLAN के बारे में बता रहे हो आप, राइट, हाँ, करेक्ट, VXLAN के बारे में, इस तरीके से बेसिकली ये क्या है, अगर आपके पास दो डेटा सेंटर है, ओके,
और आपके डेटा सेंटर में आपका एक पर्टिकुलर सर्वर है जो एक पर्टिकुलर विलान में है, और डीआर है आपका, डीआर में भी आपको सेम सेगमेंट चाहिए, और बट उधर का सबनेट अलग है या आपका सबनेट आपका अलग है, करेक्ट है? करेक्ट करेक्ट। सो बेसिकली आप क्या करते हो, आपका डीसीआई डीआर वैन से कनेक्टेड है, बट आपको यहाँ का लैन वहां तक एक्सटेंड करना है, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दो जियोग्राफिकल लोकेशन है वाया वैन। तो अगर मुझे यहाँ का लैन वहां तक एक्सटेंड करना है, आई नीड अ टनल, सो मैं ओवरले टनल बिल्ड करता हूँ बिटवीन डीसी एंड डीआर, सो दैट मेरा यहाँ का वीलैन मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ ओवर लेयर 3। सो दैट इज सिंपल VXLAN। ना करेक्ट करेक्ट, मतलब अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट इसी तरीके से ही जा रहा है वो, ठीक है आप जो बोल रहे हैं करेक्ट है। ओके जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैंने ना पीपीटी में कहीं भी उसका VXLAN का फॉर्मेट पैकेट फॉर्मेट नहीं डाला हुआ है, तो अब देखोगे तो पैकेट फॉर्मेट का इतना जरूरत है नहीं, बिकॉज मेन कॉन्सेप्ट दैट इज वेरी मच एक्चुअली VXLAN का होता क्या है, मतलब मेरा डीसी में अगर एक सर्वर है, सेम सर्वर मेरा डीआर में है, दोनों का सबनेट अलग अलग है, और मुझे वो सेम डीआर में भी सेम सबनेट मुझे यूज करना है, तो मैं ओवर द वैन एक टनल बनाता हूँ डीसी और डीआर के बीच में, और वो VXLAN से मैं डीआर में भी सेम सबनेट में रख सकता हूँ। करेक्ट, बट उसका मतलब उसका फ्रेम का फॉर्मेट कैसे रहेगा? ठीक है तो फॉर्मेट का ये आप यदि इसमें देखोगे तो इस तरीके से उसका फॉर्मेट रहेगा, मतलब ठीक है कि इस ये क्या करेगा, यूडीपी पैकेट के साथ में जो VXLAN का हेडर ऐड हो जाएगा, मतलब ठीक है उसके ऊपर आपका जो टनल टनलिंग फॉर्म होगा और टनल के ऊपर वो मतलब एक सोर्स से डिफरेंट सोर्स होगा वो टनल के ऊपर कम्युनिकेट ट्रैफिक जाएगा, मतलब L3 expansion मिलेगा क्या, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे वो डाटा मेरा लेयर 2 का ही जा रहा है, लेकिन उसको भेजने के लिए कोई मेरे पास एक्स्ट्रा लेयर 3 आ जा रही है जिससे सिंपल इतना याद रखो, लेयर 2 टनल बन रहा है लेयर 3 के ऊपर, ठीक है तुम्हारा दो लोकेशन के बीच में लेयर 3 चल रहा है, राउटिंग चल रहा है, उसके ऊपर तुम्हारा लेयर 2 टनल बन रहा है, मतलब ये एक लोकेशन का VLAN तुम दूसरे लोकेशन पे एक्सटेंड नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ डिफरेंट सबनेट, बट वो टनल के थ्रू एक्सटेंड कर सकते हो, सो दैट इज जस्ट अ VXLAN। हाँ यस, वेरी सिंपल लैंग्वेज इज एक्सप्लेन। ओके सो यदि आपके पास दो जगह डिफरेंट डिफरेंट L3 है और के L3 के डिफरेंट डिफरेंट L3 है, तो उसके ऊपर आप अपने L2 एक्सटेंड कर दिया, दैट इज अ VXLAN। ओके और उसका जो यदि फ्रेम पढ़ोगे ना तो फ्रेम इस तरीके से आपको निकलेगा, ठीक है क्योंकि इसको यदि मैं देख रहा था जो अब क्वेश्चन सर, अब क्वेश्चन यही बन रहा है कि जैसे आप बोल रहे हो कि VXLAN का मेन मतलब यही है कि आप अपने L2 डोमेन को एक्सटेंड कर रहे हो यूजिंग L3 फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, तो अब ये अपने वाले इसमें कैसे फिट होएगा, इसकी VXLAN की ही जरूरत क्यों पड़ी इंस्टेड ऑफ IPsec और कोई दूसरी टनलिंग लाइक आपका आपका जैसे TLS हो गया वो भी हो सकता था। देखो आप यहाँ पे कोई मुझे TLS वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता कि मैं वो अपने सिस्को का पढ़ा होगा उसमें आप TLS यूज करते हो। हाँ मतलब जब IPsec तो, है हमारे पास तो VXLAN अलग से क्यों कर रहे हैं, यहाँ कौन सा L2 डोमेन को हम शिफ्ट कर रहे हैं वन लोकेशन से? नहीं ये आप यदि देखोगे तो आपको जो IP सेगमेंट है ठीक है जो मेरा ये एक IP एड्रेस असाइन हुआ है 10.60.20.1 वाला सेगमेंट असाइन हुआ मुझे है ना, और एक मुझे IP एड्रेस वाला भी असाइन हुआ राइट। ओके राइट ओके ये जो मेरे IP एड्रेसेस हैं एक हमने याद है एक हमने एक ओवरले सेगमेंट डिफाइन किया था। हाँ जी करा था है ना, इसमें देखते हैं एक काम करो ना आप ये दूसरा कोई भी राउटर ले लो उसमें भी VXLAN का सेम सबनेट है क्या वो देखो दिखाओ भी लेते ना ब्रांच वन ये आपका ब्रांच 3 ओके इस पे लग जाते हैं, मतलब जितने भी राउटर्स है उसमें जो भी वो टनल्स होंगे वो VXLAN के थ्रू एक्सटेंडेड हुए करेक्ट है? करेक्ट करेक्ट ओके तो मतलब सबके ऊपर अगर सेम सबनेट है तो वो इसके लिए हो रहा है वो सेम सबनेट TLS काइंड ऑफ थिंग हो गई राइट ये
वो इसके लिए वो तुम्हारे आरआर के लिए सेम सबनेट में रखा है। बट ये जो शायद VXLAN के ऊपर असाइन है, ये तो सारे /32 वाले IPs है ना, तो ये काइंड ऑफ डिफरेंट सबनेट भी हो सकता है, एक सबनेट तो नहीं है ये। नहीं, ये जो हर एक CPU को सेपरेट सेपरेट IP एड्रेस मिलेगा, ठीक है, ये जो IP एड्रेस से हर एक CPU को सेपरेट सेपरेट IP एड्रेस मिलेगा, ठीक है, बट ये असाइन, ये जो असाइन हो कैसे रहा है, ये जो VXLAN का IP है ना, ये आपको जो असाइन का IP है, हां क्योंकि इसको अपन कंट्रोलर से कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंट्रोलर से आपको एग्जैक्टली समझ में आ पाएगा, क्योंकि कंट्रोलर से ही आपको आईपी एड्रेस मिल रहा है, राइट? नहीं, एक मिनट, राउटर पे जाना, जस्ट फॉर वन सेक, ये राउटर का मुझे आईपी सिर्फ देखना है, VXLAN का, एक का है 10.1 और दूसरे इसमें जाओ, उसका VXLAN का नहीं, आईपी एड्रेस, ये जो आईपी एड्रेस मिलेंगे ना, ये सेपरेट ही मिलते हैं, ठीक है, जो हर एक ब्रांच का सेपरेट एक सेपरेट आईपी एड्रेस मिलेगा, मतलब ओके, हाँ ठीक है, ओके, क्योंकि जो मैनेजमेंट आईपी एड्रेस आपको जो मिलता है ना, वो आपको इसी से मिलता है, मतलब आपका जो टीवी फॉर्म हो रहा है ना, इससे मिलता है मैनेजमेंट आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ओके। कौन सा है, मैनेजमेंट आईपी से उठाता है क्या ये इनिशियली? नहीं, इसमें जो ओवरले सबनेट होता है ना, हमने जब हेडेंट बनाया ना, उसके अंदर एक ओवरले का सेगमेंट डिफाइन करना पड़ता है कि आपका जो भी ब्रांच ऑनबोर्ड होगी उसी सेगमेंट से आईपी एड्रेस उठाएगी, मतलब, ठीक है, तो उस ओवरले सेगमेंट से ही आईपी एड्रेस स्कीमा निकलते जाता है। अच्छा सर, वो तो सही है आपकी बात, मैं समझ गया कि वो आपके कंट्रोलर से उठा रहा है, बट मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हम ये VXLAN वाली टनलिंग यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कोई भी वेल नोन आपकी जो आईपी सेक है या LTE टनलिंग इंस्टेड यूजिंग दैट। नहीं, आप देखो, आपका एक कोई लोकेशन, कोई भी रिमोट लोकेशन है, ठीक है, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में है, ठीक है, तो आपका भाई आईपीसेक बिल्ड कैसे होगा? आपको बिल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ तो रिचेबिलिटी चाहिए होगी, राइट? ओके, तो VXLAN क्या कर, सर वो तो पॉइंट टू पॉइंट रिचेबिलिटी करवाओगे ना, कोई भी टनलिंग चल रही है, आईपीसेक चल रही है, आप मान लो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के बीच में आपको चलाना है, भाई आपके राउट्स हैं वो तो रिफ्लेक्ट हो गए आपके कंट्रोलर के थ्रू। अब वो राउट आए तो राउट, अच्छा ये बताओ मुझे, अब मेरा मुझे MPBGP सेशन फॉर्म करना है, राइट? ओके, मेरा MP जो BGP सेशन फॉर्म हो सकता है विदाउट IGP? MPBGP अगर अगर आपकी पॉइंट टू पॉइंट रीचेबिलिटी है तो हो जाएगा, करेक्ट, तो वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बिल्ड कैसे होगी? वो कोई भी आप स्टैटिक चलाओ, आप कोई भी IGP चलाओ अंडर, वो आप MPBGP के लिए IGP तो चाहिए फुल मेश फॉर्म होने के लिए, राइट है ना? तो अब भाई मेरे पास जो ब्रांच है, ठीक है, मेरे पास जो ब्रांच है उसको MPBGP फॉर्म होना है, राइट? तो उसके लिए जो मेरा जो VXLAN क्या कर रहा है, मेरा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर्म कर रहा है टनल के अपना कंट्रोलर के साथ में, राइट? सबसे पहले मेरा VXLAN फॉर्म हो रहा है, राइट? मुझे MPBGP फॉर्म
करने के लिए मैंने जो सोर्स लिया वो सोर्स के लिए ले रखा है, मैं टीवी एपेटस ले रखा है, ठीक है, जो कि कहाँ से मुझे मिल रहा है। अच्छा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, एक मैं स्लाइड ना आपको बताता हूँ ना कुछ, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको बताता हूँ कैसा इन्होंने बनाया। इसमें नहीं दिख रहा है वो, मैं आपको ट्राई करके कल लगे तो निकाल के देता हूँ, ठीक है, एक मिनट। एक्चुअली कंफ्यूजन किधर हो रहा है मालूम है समझने के लिए कि अप्रोच फेज मतलब इनिशियली क्या होता है, पहले टनल बिल्ड होता है, सेकंड आईपीसेक टनल बिल्ड होता है, उसके बाद तुम्हारा VXLAN प्रोवाइड करता है तुम्हारा आईजीपी रीचेबिलिटी टू बिल्ड एमपीबीजी ऑन टॉप, करेक्ट करेक्ट। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये ठीक से मतलब ना कंफ्यूजन उधर हो रहा है, मतलब इसमें इनिशियल तीन टनल बन रहे, कौन सा किसका किसका क्या रोल है वो पहले समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो आप है उसके बीच में MPBGP आराम से बन सकता है। अब अगर आप ये बोलते हो मैं IPsec बना रहा हूँ उसके अंदर मेरी VXLAN बन रही है और उसके अंदर आपकी MPBGP चल रही है, तो ये तो बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया, बीच में VXLAN की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं देखो डियर, कैसा कि यदि आप यदि VXLAN के कॉन्सेप्ट पे जाओगे, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि इसमें जो आपको बेनिफिट मिल रहा है कि भाई आपका जो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टनल्स आपकी फॉर्म हो पाएगी, राइट? ये तो आपको हर एक के लिए सेपरेट सेपरेट टनल बनाना नहीं पड़ेगी, राइट? यदि इस तरीके से मैं जाता हूँ, यदि VX कॉन्सेप्ट पे नहीं जाता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई हर एक की एक सेपरेट सेपरेट टनल बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? यदि मैं VX कॉन्सेप्ट यूज नहीं करता हूँ, मैं मल्टी पॉइंट GRE बना के उसके ऊपर IPsec रन करता हूँ, तो वो तो चलेगा ना सर, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में भी? देखो आपका जैसे आप 14.8 का यूज करोगे, उसमें आप ये कॉन्सेप्ट यूज करते हो, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट यूज करते हो, राइट? वहाँ पे जो DMVPN टाइप का कॉन्सेप्ट यूज करते हो ना, जो 14.8 का जो SDN बनता है, उसमें भी इसी तरीके से यूज किया है। तो आप किस फीचर्स को यूज करना चाहते हो, मतलब बैकएंड में, ठीक है? मैं इसका और डिटेल आपको लगे तो डिटेल कल निकाल के बताता हूँ मैं, ठीक है? सर एक बार क्या है ना, पहले ये हो जाए कि पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी वर्सा टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है, कि ठीक है कंट्रोलर आए, कंट्रोलर लगा लिए, ब्रांच आई, ब्रांच लगा दी, अब ब्रांच हमने ब्रांच को आईपी दी, पावर ऑन हुआ, पहली टनल कौन सी बनेगी, ये टनल क्यों बन रही, इसका काम क्या है, फिर दूसरी टनल कौन सी बनेगी, ये क्यों बन रही, इसका काम क्या है, फिर तीसरी टनल कौन सी बनेगी, क्यों बन रही, इसका काम क्या है, एक बार है ना ये थोड़ा सा हमको डिटेल हो जाए तो फिर क्या है कि बाकी फिर ये TVI, VTVI ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो समझना ही पड़ेगा, ये तो याद रखना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट हमें पता तो चले कि कौन सी टनल कब बन रही है और क्यों बन रही है। हम सभी लोगों का यही डाउट है कि पूरा स्टार्ट से एंड तक अगर मैं 15 मिनट की थ्योरी में टेक्नोलॉजी को डिफाइन करूं तो वो कैसे करूंगा, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। अभी क्या है ना, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि TBI क्या हो रहा है, PTI क्या हो रहा है, लेकिन वो एक लिमिट पे जाकर के हम फिर फंस जा रहे हैं कि ये आ क्यों रहा है, ये बन क्यों रहा है, इसका काम क्या है। ओके ओके ठीक है, आपके पास स्लाइड है ना, सो यू कैन गो थ्रू द स्लाइड ओनली, वो यहाँ पे थोड़ा जंबलिंग हो रहा है के बीच में, आप इस पे जंप करते हो ना तो कोरिलेट करने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, गो विद योर प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपका, ठीक है चलो हम चालू करते ये दिस VNI एज पर दी जो TVI इंटरफेसेस पर राउट के इंस्टेंस में बनेगा आपका, राइट? 2 TVI पर राउटिंग इंस्टेंस बनेगा, ठीक है? मतलब जैसे कि मान के चलो कि मेरा कंट्रोल के साथ में जो राउटिंग इंस्टेंस है उसमें 2 TVI मेरे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है? 1 PTVI पर कंट्रोलर के साथ में बनेगा, जितने भी मेरे कंट्रोलर होंगे उसके साथ में मैं एक एक PTVI फॉर्म करूंगा, ठीक है? एंड 2 per tenant VR, ओके 2 per transport, ओके ट्रांसपोर्ट के साथ में मेरा जो फिजिकल इंटरफेस होगा उसके साथ में एक हर एक के साथ में मेरा एक ट्रांसपोर्ट फॉर्म होगा, मतलब
ठीक है, एक मिनट ना। ओके सर, वो लास्ट वाली साइड पे वापस ही जाएंगे एक बार। हाँ ये ऊपर वाले दोनों की समझ में आ गए मेरे को, जो हाँ आप बोल रहे हो टीवी इंटरफेस पर राउटिंग इंस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ? जो जैसे जो कंट्रोल वाला था, ठीक है, वन वी एन आई, दिस 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 फर्स्ट इज अ वी एन आई। ओके, हाँ, अपने हर ये क्लियर है, एक ये फिजिकल क्लियर है सर। इंटरफेस के लिए हो गए टू टीवीआई इंटरफेस पर राउटिंग इंस्टेंस। ओके, जो आपका कंट्रोल वीआर था, याद है, कंट्रोल वीआर के साथ में आपके दो टू टू टनल फॉर्म हुए थे, टू टीवीआई फॉर्म हुए, राइट। आपने 4 और 5 नंबर जो उसमें दिख रहा था कि जो जो टनल जो राउटिंग इंस्टेंस था आपका, राउटिंग इंस्टेंस कौन सा था आपका, कंट्रोल वाला था, राइट। कंट्रोल में दो टनल फॉर्म आपके, दो टीवीआई फॉर्म हुए थे, राइट आपके। कंट्रोल इंस्टेंस, हाँ सर, दो हाँ हुए थे ना, ये जो है ना, तो सो इंटरफेस ब्रीफ। ये आपके दो कंट्रोल, कंट्रोल के साथ में कितने फॉर्म हुए आपके, दो दो फॉर्म हुए, राइट। अच्छा, ये जो आपका टेस्ट कंट्रोल भी आ रहा है, इसके साथ आपका दो होगा। हाँ करेक्ट, अच्छा, और अगर ठीक है। हम हाँ, एक और रख रहे हैं तो दो और होगी फोन, एक और हम मान लोग डालेंगे तो मान के चलो कि एक और कंट्रोल डाला तो दो और फॉर्म हो गए, हो जाएंगे आपके, ठीक है, डिफरेंट कंट्रोलर के साथ में, ठीक है। हर एक कंट्रोल के साथ में एक पीटीआई बनेगा आपका, लो। पीटीआई एक बनेगा और टीवीआई डिपेंड ऑन द ट्रांसपोर्ट। लाइक हमारे पास में दो ट्रांसपोर्ट है तो दो टीवीआई बनेगा, अगर तीन नहीं ट्रांसपोर्ट है नहीं तो। नहीं इट इज दिस इज नॉट डिपेंड ऑन द ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका अभी जो ट्रांसपोर्ट है, सिंगल ट्रांसपोर्ट है ये आपका। यदि आपका डायग्राम देखोगे आप तो उसमें सिंगल ट्रांसपोर्ट है, डबल ट्रांसपोर्ट नहीं है यहाँ पे। हाँ सर जी, नहीं, वो बोल रहे हैं कि अगर कल मेरा दो दो लिंक है, एक एमटेल से एक इंटरनेट है और एक पैरेलल टर्शियरी एक लिंक है, तो जितना लिंक से उतना सारा मेरा जितना ट्रांसपोर्ट है उतने मेरे इंटरफेसेस बनेंगे, वहां राइट? पे वो जो बनेंगे वो वीएनआई इंटरफेसेस बनेंगे, वो वीएनआई इंटरफेस बनेंगे, ठीक है। उसको टनल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ओके, टनल जो आपका फॉर्म होगा वो हर एक डिवाइस पे जो जो डोमेन आपके जो दो बनेंगे, मतलब ठीक है, जैसे मान चलो कि ये कंट्रोलर है तो कंट्रोल साथ में दो बनेगा मतलब मेरा, ठीक है। इस ब्रांच का इसके साथ में दो दो टीवीआई बन रहा है, एक एक बन रहा है मेरा वी एक्सटर्नल और दूसरा बन रहा है ईएसपी वाला, ठीक है, सिक्योर टनल, ठीक है। यहाँ पे आप वन ट्रांसपोर्ट यूज करो, दो ट्रांसपोर्ट यूज करो, थ्री ट्रांसपोर्ट यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो जो आपका जो ट्रांसपोर्ट फिजिकल इंटरफेस उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वीएनआई के थ्रू, ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे है ना ट्रांसपोर्ट के साथ में, ठीक है हम ये ओवरले पे टनलें बन रही, लेकिन ट्रांसपोर्ट से कुछ तो रिलेवेंट होगा ना उसका कि। नहीं, जो ट्रांसपोर्ट होगा ना आपका, जो भाई अल्टीमेटली जब आप स्क्रिप्ट बनाते हो उसमें क्या करते हो आप, आपने यहाँ पे अभी जब हम लोग पढ़ेंगे ना टेम्पलेट, जब इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता कि भाई आईपी सेक बनता कैसे, आईपी सेक के लिए क्या क्या चाहिए आपको, एक सोर्स आईपी एड्रेस चाहिए यहाँ का, एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चाहिए, राइट। आपका कुछ की मैच होना चाहिए, एक लोकल की होगा, एक एक आपका रिमोट की होगा, राइट, या आपका एक्सचेंज होगा तभी आपका आईपी सेक फॉर्म होगा, है ना। तो आपका जो ट्रांसपोर्ट क्या करेगा भाई, जो मैं सिलेक्ट करूंगा ट्रांसपोर्ट वो मुझे पहले आईपी सेक फॉर्म करेगा, ठीक है। आईपी सेक फॉर्म करने के लिए मेरा जो सोर्स आईपी एड्रेस क्या जाएगा, मेरा मेरा जो सोर्स आईपी एड्रेस जाएगा ये वाला इंटरफेस जाएगा, राइट। मुझे किसके साथ में इंफॉर्मेशन चाहिए, एग्जांपल के लिए मेरी स्क्रिप्ट है, राइट। यदि मेरी स्क्रिप्ट है ऑनबोर्डिंग वाली, ठीक है, इसमें हो क्या रहा है एग्जैक्टली, यही हो रहा है। एक तो मेरा मैंने सीरियल नंबर डाल दिया कि मेरा ब्रांच का सीरियल नंबर क्या है, डिवाइस का सीरियल नंबर क्या है, ये मेरा कंट्रोलर आईपी एड्रेस है, ये मेरा सोर्स का आईपी एड्रेस है, मेरा सीपी में क्या आईपी एड्रेस होना चाहिए, ये मेरा गेटवे क्या है, दिस इज माई लोकल लोकल आइडेंटिफिकेशन हो गया, ये मेरा रिमोट आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जा रही, राइट। तो ये जब ये इंफॉर्मेशन जा रही है सर, तब तो हमारे पास ना तो वहां पे कोई कंट्रोल भी आर रहेगा, ना ही कोई करेक्ट, वहां उस टाइम पे तो कोई भी आर नहीं रहेगा। कुछ कुछ भी वीआर नहीं है, ठीक है। जब ये फर्स्ट टाइम जाएगा, ये जब स्क्रिप्ट जाएगी फर्स्ट टाइम, ठीक है,
ये कहां पे जाएगी, कंट्रोल के पास में गई है ना. फर्स्ट टाइम जब कंट्रोल के पास आ गया, कंट्रोल के पास सब इंफॉर्मेशन है कि भाई ये आपका जो मैचिंग हो गया, ठीक है, ये आपको मैंने बताया था, शायद नहीं बताया था, बता देता हूँ. यहाँ पे जो कंट्रोल का जो ट्रांसपोर्ट एमपीएलएस ट्रांसपोर्ट वीआर होगा, उस वहां पे जो हमने डिफाइन किया, वहां पे जो ऑथेंटिकेशन की है, ठीक है, वो आपकी ये वाली की है, राइट. ये जो रिमोट, जो रिमोट कंट्रोलर की स्टेजिंग की होगी, ये वाली होगी आपकी, ठीक है. उसके बाद क्या होगा कि आपका ये जब ये ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तो ये आपको एक एक टेम्प्रेरी आईपी एड्रेस असाइन करेगा, ठीक है. बट ये टेम्प्रेरी आईपी एड्रेस किसके ऊपर असाइन करेगा, ये टेम्प्रेरी आईपी एड्रेस असाइन करेगा वी एक्सटर्नल के ऊपर में, ठीक है. एक वी एक्सटर्नल फॉर्म होगी, उसके ऊपर एक टेम्प्रेरी आपको आईपी एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है. जब आपका टेम्प्रेरी आईपी एड्रेस आपका इस पे ऊपर मिल गया, ठीक है, आपका ब्रांच के ऊपर पे, ठीक है, एक वी एक्सटर्नल टनल के ऊपर में, ठीक है. फिर आपका जब इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेट हो गई, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपका जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन पुश करेगा, डायरेक्टर पुश करता है, ठीक है. डायरेक्टर पुश करेगा किसके ऊपर पुश करेगा, आपके आईपी सिग्नल के ऊपर पुश करेगा, ठीक है. तो जो आपका आईपी सिग्नल पहले वी एक्सटर्नल फॉर्म हो गया, उसके बाद आईपी सिग्नल फॉर्म हुआ, आपका कॉन्फ़िगरेशन किसके ऊपर पुश किया, उसने आईपी सिग्नल के ऊपर फॉर्म किया. जब आपका आईपी सिग्नल कॉन्फ़िगरेशन पुश करने के बाद ये डिवाइस आपका रिबूट होगा और आपका ये आईपी एमपीवीजी पेशन फॉर्म होगा. इस तरीके से एग्जैक्टली काम करता है, ठीक है. तो यहाँ पे जो आपको बताया था कि जो भी जो जो कंट्रोल ट्रांसपोर्ट है उसके साथ में जो जो आपके दो दो बन रहे हैं यहाँ पे, यदि आप इसमें देखोगे, ठीक है, जैसे टू टू टीवीआई इंटरफेस पर राउटिंग इंस्टेंस, एक और जो हर एक कंट्रोल के साथ में कितना बन रहा है, एक पीटीवी बन रहा है. टू पर टेनेंट वीआर, टू पर ट्रांसपोर्ट वीआर, सर हेलो हेलो. सर मतलब आप ये कह रहे हो कि आपकी जो वी एक्स टनल है वो पहले फॉर्म हो रही है और जो हाँ, आईपीएस एक टनल है वो बाद में हो रही है. करेक्ट. उसमें क्या होगा कि आपका जो सबसे पहले आपका वी एक्स टनल फॉर्म होगा, ठीक है, उसमें क्या करो, जो सोर्स उठाएगा वो, ठीक है, सोर्स उठाएगा किसका भाई, सोर्स मुझे उठाएगा वी एक्स टनल इज माय सोर्स नाउ, ठीक है. अब उसके ऊपर मेरा आईपीएस एक फॉर्म होगा, ठीक है. अब जब मेरा पीवीआई टनल बनेगा, उसमें सोर्स क्या हो जाएगा, मेरा सोर्स हो जाएगा क्या, मेरा जो आईपी सिक टनल का जो जो आईपी में एड्रेस मिला, दैट इज माय सोर्स, उसके ऊपर मेरा पीटीवी टनल फॉर्म हो जाएगा. आपने स्टार्टिंग में ये बताया कि पहले आईपीसेक बिल्ड होगा, उसके बाद वीएक्सलैन से नहीं, वो नहीं, आईजीपी पहले उठाएगा. पहले 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 आपका वीएक्स टनल जाएगा, उसके बाद आपका आईपीसेक फॉर्म होगा, उसके ऊपर आपका एमपीबीजी पोजीशन फॉर्म होगा. क्योंकि पहले तो आईपीसेक सबसे पहले क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, राइट. अब इसने इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट टाइम भेजेगा, अभी आपका एक एक टनल तो कुछ आपके पास अभी ये जो इन्फॉर्मेशन जा रही है ये टेक्स्ट में जा रही है, राइट. सर हम एक चीज कर सकते हैं, हम हाँ एक सीपी और एक कंट्रोलर लेके हम हाँ पैकेट बाय पैकेट चल सकते हैं कि ये कैसे फ्लो कर रहा है. कोई बात नहीं. एक कोई ब्रांच को हम लोग काम करते हैं कि नई ब्रांच को यहाँ पे ले लेंगे कल, ठीक है, और इसको ऑनबोर्ड करेंगे, ठीक है. यहाँ पे सबसे पहले आप जब ऑनबोर्ड करोगे फर्स्ट ब्रांच, तो आपको ऑटोमेटिकली एक आईपी एड्रेस असाइन होगा, ठीक है. वो जो आईपी एड्रेस असाइन होगा आपका जो फर्स्ट टनल वी एक्स टनल का टनल फॉर्म होगी, ठीक है, उसके ऊपर आपका फिर आईपी सेक जाएगा, ठीक है. इसका मैं लगे तो आपको फ्लोर प्रॉपर किस सिक्वेंस में होता है ना, लगे तो और आपको मैं डिटेल में कल ला करके देता हूँ, ठीक है. मतलब मेरे कहने का मतलब ही, अब मैं जो समझाऊं, मैं मेरा मेरा मानना है कि जो आपकी आईपी से एक टनल बन रही है वो बन रही है पहले, लेकिन जो आपकी वीएक्सलैन है वो आपकी बाद में बनेगी, लेकिन वो बनेगी जो आईपी कंट्रोलर ने प्रोवाइड किया है उसके बीच में और आपके कंट्रोलर के पास जो आईपी है. आप है ना, कल एक साइट ले लो, एक एक हम लोग आप नहीं, मैं इसका प्रैक्टिकली आपको, दिखाओगे हाँ तो कल हम लोग बेसिकली कल उसमें कल क्लियर हो बनाते जाएगा हैं. कि पहले क्या फॉर्म होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड नहीं, में वो क्या अभी भी होता है. कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. चाहे तो अभी
एक डिवाइस को अपन कन्फिग करके भी अभी भी टेस्ट कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो लगे तो मैं कल एक आपको और सिक्वेंसली ना डिटेल्स निकाल के देता हूँ. ठीक है, कि कैसे किस सिक्वेंस में एग्जैक्टली वो फॉर्म होगा. ठीक है, आपका ये क्वेश्चन था ना कि भाई आपका पहले VXC टनल फॉर्म होगा कि IPCX टनल फॉर्म होगा कि आपका MPBGPCN फॉर्म होगा, उसका सिक्वेंस क्या है और उसको कैसे चेक कर सकते हैं, राइट? दिस इज योर क्वेश्चन, करेक्ट? करेक्ट सर. मतलब टेक्नोलॉजी है ना वर्षा की पूरी, मतलब डे वन से डे थ्री टोटल काम कैसे करता है. ठीक है, वो एक बार है ना थोड़ा सा ओवरव्यू टेक्नोलॉजी का जाए, तो उसके बाद में फिर क्या है सारी डिवाइसेस है, सारे इंटरफेस है, सारे कॉन्सेप्ट वो हम लोग समझ लेंगे. ठीक है, खुद से पढ़ लेंगे, लेकिन अभी क्या है ना हम लोगों के पास में ओवरव्यू नहीं है कि कहाँ से कैसे काम कर रहा है. ओके ओके, ठीक है. तुम कैप्चर भी कर सकते हैं क्या वायरस अपन? इसमें भी कर सकते हो, इसके कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत हेवी हो जाएगा. मतलब उसको समझना, उसके पहले मेरे हिसाब से वायर्स आर कर सकते हैं, उससे पहले भी हमको ओवरव्यू चाहिए. ठीक है, कि एक्चुअल में ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है. अब फिर बाद में हम कैप्चर करके उसको प्रूफ कर सकते हैं अपने आप में कि हाँ ये जो हमने पढ़ा, जो हमारा ओवरव्यू बोलता है ये टेक्नोलॉजी ऐसे काम कर रही है, ऐसे ही हो रहा है. लेकिन okay, कोई कोई बात नहीं, कल इसको अपन और आई विल गिव द प्रॉपर सीक्वेंस. ठीक है, कि अभी आपको मतलब आज आई विच अंडरस्टैंड. ओके, आपको सीक्वेंस समझ में नहीं आ पाया. ठीक है, टनल यू गाइज अंडरस्टैंड कि भाई टीवीआई समझ में आ गया आपको, वीटीआई समझ में आ गया, कैसे आईपी एड्रेस असाइन में वो समझ में आ गया, बट यू नॉट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट कि वो सीक्वेंस क्या है, जिससे यू अंडरस्टैंड कि भाई मतलब टीवीआई क्यों आईपी सॉरी VXLAN क्यों फॉर्म हुआ, उसके ऊपर आईपीसी क्यों फॉर्म हुआ और उसके ऊपर MPBGPCN क्यों फॉर्म हुआ. दिस इज योर डाउट, राइट? करेक्ट सर. सो डोंट वरी, टुमारो आई विल ब्रिंग लाइक डिटेल्स ओके ऑन दैट. ओके, हम लोग उस पे बनाते हैं. ठीक है, आई विल गिव यू मोर ब्रीफ ऑन दैट. ओके, मीनवाइल आपके पास यदि टाइम मिलता है तो यू कैन अपना जो लैब है ये अपना इतना रेडी कर लो. ठीक है, हेडेंड वाला पार्ट में कुछ इशू है, कुछ क्लियर है उसके अंदर, कुछ डाउट है? नहीं सर, हेडेंड में कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है सर. ठीक है, इसका भी टुमारो आई विल क्लियर दिस पार्ट. ओके, ठीक है, मे बी आई कुड नॉट, ये जो आपको सकता है कि कुछ कुछ चीजें मैं मतलब आपको जो ये सीक्वेंस वाइज पार्ट आपको नहीं बता पाया. और नहीं, एक वो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप कल कर लेंगे. तो मैं काम करता हूँ इसके ऊपर, मैं आई विल गो थ्रू इट. ओके, एंड आई विल प्रोवाइड यू द मोर इन्फॉर्मेशन दैट, कि इसमें ना एकदम एकदम सिक्वेंस वाइज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एग्जैक्टली नहीं है. ठीक है, मतलब इस जो डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर में, बट आई विल ट्राई टू ब्रिंग फ्रॉम द समवेयर एल्स. ओके, एंड गिव दैट प्रॉपर इनपुट. ओके, क्योंकि जो हमने भी अटेंड किए वर्षा की ट्रेनिंग, राइट? और उसमें भी वो क्या करते हैं कि सिर्फ आप देखोगे ना तो ये टनल फॉर्म हो गया, वो टनल फॉर्म हो गया, इस तरीके से बताते. ठीक है, दैट इज पीडीएफ ऑन करते हैं और स्लाइड बढ़ाते जाते हैं, कभी नहीं बताते कि क्यों बना रहे. ओके, तो डोंट वरी. ओके, मैं ये बोल रहा था कि मतलब वायर साइड के लिए इसलिए बोल रहा है कि मान लो इसकी जो प्रॉपर वो होगी कि भैया कौन से पहले बनती है, अगर मान लो सर IPsec पहले बन रही है तो नहीं, वो तो दिख जाएगा यार, वो तो उसमें कुछ इशू नहीं है. हमें वो दिखेगा नहीं, आपका VXLAN की थिंग आपको दिखेगी कि नहीं, क्योंकि वो एन्क्रिप्ट हो जाएगी IPsec में. नहीं नहीं, उसका एक मुझे याद आ रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास में. ठीक है, जिसमें ना मतलब स्टेप वाइज है, मतलब पहले स्टेप क्या होगी, दूसरे स्टेप क्या होगी, थर्ड स्टेप. मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो एग्जैक्टली इस लैपटॉप में नहीं है. ठीक है, उसमें ना मतलब जैसे कि फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, एक एक चीज उसके अंदर ना सिक्वेंसली मतलब है डिफाइन. ठीक है, वो मुझे, मैं आपको एग्जैक्टली इस लैपटॉप पे नहीं है मेरे पास में, वो आपको मैं अरेंज करके कल देता हूँ. ठीक है, तो बढ़िया, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई मतलब उसमें ना प्रॉपर सीक्वेंस है, फर्स्ट स्टेप में ये होगा, सेकंड स्टेप में ये होगा. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक डिवाइस को लेंगे और ऑनबोर्ड करके सेम सीक्वेंस एक बार मैच कर लेंगे, दैट्स इट, राइट? हाँ, समझो. ओके, तो वो हो सकता है कि मतलब एग्जैक्टली इस मतलब जो मुझे अच्छे से पता है, एक स्लाइड है मेरे पास जिसमें उन्होंने प्रॉपरली एकदम सीक्वेंस वाइज डाला हुआ है. ठीक है, मैं आपको कल शेयर करता हूँ बना करके. ओके, तो ये अभी मैं PPT वाला अभी नहीं शेयर करता हूँ. ठीक है, जब अपना ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको देता हूँ. ठीक है, तो आज हमने वो, सिर्फ वो जो सीक्वेंस सर, वो सीक्वेंस भी PPT में ऐड कर लेना अगर आपको मिल जाता है तो. आपको VXLAN का कॉन्सेप्ट भी लगे तो कल मैं और थोड़ा सा ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का. ठीक है, क्योंकि मेरे पास आज मैंने किसमें VXLAN का टनल का कॉन्सेप्ट मतलब डाला हुआ नहीं था. ठीक है, तो आई विल एड दैट VXLAN वाला भी. ठीक है, थोड़ा सा मतलब
क्योंकि वो अल्टीमेटली जैसे आपको फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना कि फ्रेम फ्रेम कैसे आया, फिर आपका वो जैसे कि DOT1 इनकैप्सुलेशन कैसे हुआ, ठीक है, और आपको VXLAN कैसे एडवांस को, जब आपको फ्रेम को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आप इजी रहेगा मतलब, ठीक है, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स है मतलब VXLAN वाला कॉन्सेप्ट बट समझना, बट ठीक है, रमाकांत ने उसको बहुत सिंपल वे में बताया कि भाई आपका मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे है, तो आप आपका L2 पाथ आप एक्सटेंड कर रहे हो ओवर द L3, राइट, तो दैट इज अ सिंपल वे, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं यार, है ना, कल फिर चालू करते हैं, ओके, कल उसका मैं सीक्वेंस आपको बना के लगे तो इसमें इसका एक पांच एक दो मिनट में आपको एक अपडेट देता हूं ये VXLAN के बारे में, मतलब इसका क्लासिक केस स्टडी है जो एक्टिव डेटा सेंटर होता है ना आपका, वहां पे भी VXLAN हम लोग मेनली यूज करते हैं, मतलब मेरा DR में भी सेम एप्लीकेशन होस्ट है और DC में भी सेम है, बट DR हमेशा स्टैंड बाय में रहता है, सो आई कैन नॉट यूज यूटिलाइज दैट नेटवर्क, बट DC एंड DR अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन पे होते हैं वाया द WAN, तो अगर मुझे वो रिसोर्सेज भी एक्सेस करना है बट वो सर्वर भी मुझे सेम लैन में रखना है, तो लैन तो अलग अलग हो गया ना, अलग अलग लोकेशन है, तो फिर मैं मेरा जो लेयर थ्री राउटिंग हो रहा है डीसी और डीआर के बीच में, अब मुझे लैन तो एक्सटेंड नहीं कर सकता, मतलब स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी नहीं कर सकता, सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मेरा जो सर्वर जो VLAN में है डेटा सेंटर में और डीआर में जो VLAN में है उसको मैं VLAN सेम रखता हूँ, बट वो जो VLAN में एक्सटेंड कैसे करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट फाइबर तो डाल नहीं सकता, सो आई कैन यूज अ लेयर थ्री हॉप और लेयर थ्री के ऊपर मैं लेयर टू टनल बिल्ड करता हूँ, और वो VLAN यहाँ से सेम VLAN 100 जो डीसी में हो सेम VLAN में डीआर में भी रख सकता हूँ, सो इट इज एज गुड एज जो मेरा सर्वर डेटा सेंटर में VLAN 100 में है सेम सर्वर डीआर में VLAN 100 में रहेगा, सो एंड आई कैन यूज द सेम आईपी सबनेट फॉर दैट, करेक्ट करेक्ट, है ना, तो ACI में भी आपका सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज होता है जो VXLAN वाली कॉन्सेप्ट के बेस्ट जो उन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है, मतलब DCTR के भी ACI में ही है इसका इसका ना, ये अगर किसी को स्टडी भी करना है ना इसका ना YouTube पे एक बहुत अच्छा छोटा सा वीडियो भी है ओनली ऑन द VXLAN, वो एक्चुअली उन्होंने दिया भी है, करेक्ट, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, चलो इसका थोड़ा सा और आई विल ट्राई टू गिव लाइक मोर इन्फॉर्मेशन, ओके, जिसमें एटलीस्ट यू गाइस गेन क्लियर, ओके, हेमंत आपको क्लियर है मतलब अभी जो स्पेस पे चल पा रहे हो कि कुछ मतलब ठीक है हेमंत? हाँ सर, सब ठीक है अभी तो, ठीक है, देखो जो डाउट्स आएंगे वो जितने डाउट्स आएंगे उतना बेटर है, ठीक है, वो आपके लिए बेटर है मेरे लिए बेटर है, ठीक है, तो वी शुड नॉट बी ऐसे डार्क में नहीं जाना कि भाई चलो मतलब आज हो सकता है कि किसी चीज का आंसर मिले किसी का ना मिले, बट डेफिनेटली आई विल गिव यू टू द माय बेस्ट कि आपको मतलब उस चीज का इंफॉर्मेशन मिलेगा, एंड आई विल ब्रिंग इट, ओके, मेरे पास है डिटेल्स बट उसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया था स्लाइड में, तो आई विल ब्रिंग इट, ओके, कल मैं आपको देता हूँ उसका सिक्वेंस क्या रहेगा एग्जैक्टली, ठीक है, ओके सर, नो प्रॉब्लम, ओके ओके, thank you everyone for your time, tomorrow we'll connect again same time, ek bar aap log na ek bar lab apna ek bar check kar lena yaar, hai na, access karke uska head end wala at least build kar lena tab tak, ji sir, okay, good night, good night, bye.